ऐसे तो करते हैं. सो हे एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड भानवी चांद उर्फ क्वीन बी. सो गाइस, हमारे 500 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं. ये जलसा होगा, जलसा. सो मैं आज बहुत ही अहम मुद्दे पे बात करने वाली हूं. वैसे तो हमेशा अहम मुद्दे पे बात करती हूँ. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही स्पेशल लोगों के बारे में. यार मुझसे ना रहा नहीं जा रहा, मतलब इन लोगों के बारे में बात की, बिकॉज हमारे समाज के जो सुधारक है, समाज सुधारक, इनके बारे में बात किए बिना कैसे रह सकते हैं हम. ये तो कंपलसरी है. तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं और बात करने ही वाले हैं. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. अंकल और आंटी ना बहुत ओवर रेटेड है, तो उनके बारे में तो क्या ही बोलूं मैं. मतलब लाइक लीव देम, और आधे लोगों को फर्क भी नहीं पड़ता, मतलब इतना ओवर रेटेड हो गए वो. तो जो हमारे ही जनरेशन के होके हमें ही जज कर रहे हैं, लाइक हमारे बिल्ली हम ही से मियाओ हैं, उनके बारे में कौन बात करेगा. डो वरी, मैं हूं ना, मैं बात करूंगी. मैं किस लिए हूँ? तो तुम लोग मुझे एक बात बताओ, मतलब जो लोग ऐसे हैं वो देख रहे होंगे ऑब्वियसली, तुम लोग अपनी ही जनरेशन के होके अपनी ही जनरेशन को कैसे जज कर सकते हो. आई मीन वाह भाई वाह. मतलब ऐसा नहीं है कि कपड़ों की बात है, मतलब कि छोटे कपड़े, ठीक है, लड़के बोलते भी हैं भले ही को एक बार को कि छोटे कपड़े पहन रही है यार कि, मतलब के, मतलब ये लड़की पक्का सही नहीं है, इसके तो होंगे 4-5 बॉयफ्रेंड पक्का 110%. फिर रही बात लड़कियों की, अगर कोई हैंडसम सा लाइक अच्छा सा लड़का, लाइक बिल्कुल ढंग से, मतलब उसने ड्रेसअप वगैरह अच्छा लड़का किसी लड़की से बात कर रहा है, तो लड़कियों को क्या लगता है इसकी पक्का बंदी हूँ. क्यों भाई, बहन नहीं हो सकती उसकी, इसकी बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकती, कोई जरूरी है उसकी बंदी हो? तुम कैसे जज कर सकती हो यार. अगर कोई लड़का बहुत ही हैंडसम सा होगा तो उसको जज कर लेगी कि यार इसकी ना पक्का, मतलब ये तो मतलब एक नंबर का ना स्टार्ट होगा, मतलब ऐसी प्लेबॉय होगा ये पक्का, इसकी तो बहुत सारी बंदियां होंगी ऐसे. क्यों? क्योंकि वो देखने में बहुत अच्छा है इसलिए उसकी बहुत सारी बंदियां होंगी, इसलिए वो स्टार्ट होगा. व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड दिस? सेम गोल्स फॉर गर्ल. अगर एक गर्ल बहुत सेक्सी सी है, अच्छी सी है, मतलब सेक्सी मतलब बहुत प्यारी बंदी है, ठीक है, देखने में भी अच्छे सब, ये तो सिंगल हो ही नहीं सकती, इसका पक्का बंदा होगा यार. ऐसा हो ही नहीं सकता ये सिंगल हो. अगर वो बोल रही है मैं सिंगल, झूठ बोल रही है, इसका पक्का बंदा हो. क्यों भाई है, मेरी मर्जी, मतलब आई मीन उस वो बंदी का नहीं होगा इसलिए वो बोल रही है. और दूसरी बात, तुम जज क्यों कर रहे हो ऐसी, मतलब अगर कोई लड़की अपने मतलब फ्रेंड्स के साथ बैठी है, मान लो उसमें से दो लड़के हैं, चार लड़के हैं, ठीक है, ग्रुप में, और वो चिल कर रही है, हैंग आउट कर रही है अपने फ्रेंड्स के साथ, तो कोई पर्टिकुलर बंदी बंदी तक उसको जज कर लेगी, और बंदा भी, मतलब बंदा भी जज कर लेगा यार. लड़कों में रहती है यार, लड़के दोस्त हैं, इतना चिल करती है, मतलब कैसे कर लेती है, तू पागल है क्या? अबे वो लोग मुझे जज नहीं कर रहे इसलिए तो मैं उनके साथ चिल कर रही हूँ. अगर मतलब वो लोग मुझे जज कर रहे होते तो मैं उनके साथ चिल क्यों कर रही होती? और वो जो सामने, मतलब जो सामने वाला बंदा है उसके साथ चिल कर रही होती ना फिर वो बंदी, मतलब कोई भी एग्जांपल ले लो, तो फिर तेरे साथ चिल कर रही होती वो बंदी, ठीक है, क्योंकि तू जज करते इसलिए तेरे साथ बंदी चिल ही नहीं कर सकती, क्योंकि वो समझ जाती होगी ना कि भाई ये तो जज करेगा, ठीक है, इसलिए वो चिल ही नहीं कर सकती तेरे साथ. वो लोग उसे जज नहीं करते, उसके दोस्त है तो इसलिए उनके साथ वो चिल कर रही है. योर बैड. सेम गो, मतलब लड़कों के लिए भी सेम बात है, क्योंकि वो भी लड़के भी समझ जाते हैं भाई कि ये जज करने वाली है, ये जज करने वाली नहीं है. लड़कियां भी समझ जाती हैं कि ये जज करने वाला है, ये जज करने वाला नहीं है. एंड दिस इज अ कड़वा सच. अगर मेरे एज की बंदी है वो ही मुझे जज कर लेगी तो मैं कहां से विकास करूं? मतलब एडवांस कहां से होगा हमारा? इंडिया तुम बड़े बनते हो, फॉरेन कंट्री में कोई किसी को जज नहीं करता क्योंकि उन्हें अपने काम से मतलब होता है. तुम तो मतलब अंकल आंटी को तो मारो बोले तुम ही जज कर दे रहे हो यार. इट्स अ बिग इशू, प्लीज ये जज करना बंद करो. और इसमें हमारी गलती नहीं है कि तुम्हारे पेरेंट्स इतने चिलनी है और तुम्हारे दोस्त इतने चिलनी है. अब तुम, इसमें हमारी गलती नहीं है, हम तो भाई हमारी ये एज है, हम इस एज में चिल करेंगे. मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? और हमें तुमसे फर्क भी नहीं पड़ता, बट मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ इस बात पे बिकॉज ये तुम लोगों को जाननी जरूरी है कि जज करना बंद करोगे तभी अपना विकास होगा. तुम खुद भी थोड़ी चिल करो यार, क्या टेंशन ले रहे हो समाज की. समाज सुधर जाएगा, और समाज सुधर ही रहा है, एडवांस हो रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो समाज सुधर जाएगा, समाज सुधर भी रहा है. तुम जरा अपना थोड़ा खुद को सुधार लो और वो लोग तो चिल कर लेंगे आराम से, अपना अपनी जिंदगी जी लेंगे,
बाद में उनके पेरेंट्स शादी शुदी कराए, जॉब करे, वो उनकी मर्जी, वो तो अपनी जिंदगी आराम से जी लेंगे। तुम क्या करोगे, तुम जज करते रहोगे पहले तो इस टाइम में जो चिल करने का टाइम है, उसके बाद जब तुम्हारा वो फिर तुम्हारी शादी होगी क्योंकि जॉब करोगे ना तुम, क्योंकि यू वॉन्ट टू जज पीपल, क्योंकि तुम लड़की हो तुम जॉब नहीं कर सकती, यस, क्योंकि तुम जज ही करती रह जाओगी, तुम्हारे अकॉर्डिंग तो फिर लड़कियां जॉब भी नहीं कर सकती ना, तो तुम जज ही कर लो फिर। आए बड़े जज, मतलब जज करोगे, कर लो जज, कर लो जज, और जिनको तुम जज करते हो उन्हें तुम्हारे जज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम चिल नहीं कर सकते तो इट्स योर प्रॉब्लम, और अगर कोई सामने वाला चिल कर रहा है तो उसे चिल करने दो, वो तो चिल करके आराम से अपनी पूरी जिंदगी ऐश से ही काट रहा है और ऐश में ही काटेगा, ठीक है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम अपनी जिंदगी अभी बाद में पछताओगे कि हमने जज करने में जिंदगी निकाल। मैं बस यही कहना चाहती हूँ, लंबी हो गई वीडियो, लीव इट, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जज करना बंद करो क्योंकि तुम पछताने वाले हो बहुत आगे जाके कि हमने इतना चिल क्यों नहीं किया, हम जज ही करते रह गए यार लोगों को, यही करोगे तुम, और यही डायलॉग्स होंगे, लिख के ले लो मुझसे, ये सेव कर लो वीडियो आगे के लिए, और उनको फॉरवर्ड करो जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें जज करते हैं, मतलब तुम्हारे आस कुछ होंगे जान पहचान वाले। सो गाइस मैं इतना कहना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच, और ये कड़वा सच बाहर आना जरूरी था, थैंक यू, लव यू, और ऐसी सपोर्ट करते रहना और ऐसी हम लोगों के राज खोलते रहेंगे, बाय बाय, सी यू लेटर, लव यू।